हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अपने लिए भी मैं कहूँगा कि हम लोग आजकल यार लाइफ में काफ़ी सीरियस हो गए हैं। याद है वो बचपन में हम लोग बहुत छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी ढूंढ लेते थे। उदाहरण के तौर पे पिताजी अगर हमारे लिए कुछ एक छोटी सी चॉकलेट ले आते थे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते थे, भले ही वो चॉकलेट 2 रुपए की हो, 3 रुपए की हो, पर जैसे ही वो चॉकलेट हमारे हाथ में आती थी यार हम काफ़ी खुश हो जाते थे। बट आजकल पता नहीं हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया है कि छोटी छोटी खुशियाँ हम बिल्कुल सेलिब्रेट करना भूल ही गए हैं और हम लाइफ में ना काफ़ी सीरियस हो गए हैं। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो लिफ्ट में मुझे एक भाई साहब मिले, मेरे बगल में खड़े हुए थे। तो मेरी आदत जनरली ऐसी है ना कि मैं लोगों को देख के काफ़ी अच्छा स्माइल कर देता हूँ, तो मैंने उनको स्माइल दिया और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देख लिया। मैं इतना चिंतित हो गया, चिंतित अंदर से मुझे लगा कि यार कि स्माइल देने में क्या जाता है यार, जब सामने वाला स्माइल दे रहा है तो स्माइल दो। तो उन्होंने नहीं दिया, तो शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ टेंशन हो या फिर वो अपने किसी विचार में डूबे हुए हों। पर दोस्तों एक छोटी सी चीज़ हम सबको याद रखनी चाहिए कि हमें छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। यार जिंदगी में इतने सारे गम हैं, लोगों की लाइफ में इतने टेंशन है, एक स्माइल देने में क्या जाता है? और जैसा एक्शन हम करेंगे वैसा ही ऑपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। तो जैसा कि किसी ने कहा भी था ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम लोगों को स्माइल देंगे, लोगों के साथ खुशी वाला बर्ताव करेंगे, तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा? खुशी ही मिलेगी ना। तो दोस्तों बड़ी 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 खुशियों के चक्कर में छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। तो लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस, ठीक है, अपने करियर के प्रति सीरियस होना अच्छी बात है, बाकी चीज़ों बट यार लाइफ में हंसना, गुनगुनाना, मजाक करना ये बंद नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसा सुनते हैं कि 23 साल की एज में कोई बंदा हार्ट अटैक से मर गया, तो यार ये क्या है? लाइफ में हम लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा के रख लिया, हंसना भूल गए। और एक चीज़ याद रखिए, लाइफ में कभी बिना किसी रीज़न के भी हंसना सीखिए। वो रामदेव महाराज जी को देखो यार, वो सुबह सुबह योगा कराते हैं और कुछ भी नहीं हो हंस देते हैं, हा 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 हा, एंड कितने हेल्दी हैं। तो यार क्या हम लोग दिन में कुछ ऐसा सेशन नहीं रख सकते जिसमें हम लोग रोज 1-2 मिनट हंसे और अपना बचपन जी? यार चलो बचपन की ओर वापस चले। बचपन में कुछ भी नहीं होता था, हम ऐसे मतलब आज कई बार वो सांता बांता की जोक सुन के भी हम आधे आधे घंटे हंसते थे। आजकल कोई हमारे सामने सांता बांता की जोक मार दे तो हमें नहीं लग रहा था क्या ये, अरे हंस दे बाबा क्या दिक्कत है। तो और कहीं ना कहीं एक और चीज़ ये है कि अब हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने लगे प्लेजर और हैप्पीनेस। मतलब अब हम लोग खुश कब होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास नया iPhone 10 आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, मैंने कोई BMW खरीद ली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। ये एक्चुअली हम लोग प्लेजर में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगे हैं दोस्तों। ये प्लेजर में खुशियाँ ढूंढना शायद हमें बंद कर देना चाहिए। खुशियाँ वो होती हैं जब आप अपने बच्चे को अपने गोदी में उठाते हैं, आप अपने मम्मी पापा से हक करते हैं, आप दिमाग में टेंशन ले रहे हैं बट आपने अपनी मम्मी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वो खुशी है। और हमेशा याद रखिए खुशी लंबे समय तक रहती है, प्लेजर का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। आज आपने आईफोन 10 खरीदा, आप प्लेजर हो गए यार, आप खुश हैं, पर क्यों खुश हैं? क्योंकि वो आपका प्लेजर है। बट 2 साल के बाद आईफोन 12 आ गया तो यार आपको लगेगा यार कि यार तो मतलब आपका जो पुराना प्लेजर था वो चला जाएगा, लेकिन मम्मी की स्माइल अगर हमने देखी तो वो 5 साल पहले ही वैसी लगती थी, और मम्मी की स्माइल आज का हम अपने दिमाग में रहता है कि मेरी मम्मी की स्माइल कितनी अच्छी, आज भी वही खुशी होती है। अपनी बेटी को जब मैं हाथ में उठाता हूँ ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में भगवान ने हमें इतने सारे रीज़न दिए हैं खुश होने के, हम क्यों खुश नहीं होते? हम सारे नेगेटिव विचारों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में नकारात्मकता भर देते हैं और इसी कारण इतनी सारी डिसीज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो यार मुझे एक चीज़ बताइए, 206 हड्डियाँ शरीर में बराबर काम कर रही हैं, कानों से सुनाई देता है, आँखों से दिखाई देता है, नाक से सुन सकते हैं, का कारण क्या है? यस पैसा मैटर करता है हमारी लाइफ में यार, और मैं तो बोलता हूँ पैसा हमें बहुत कमाना चाहिए यार, बहुत कमाना चाहिए, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज करना सही है क्या? यार ठीक है पैसा आएगा, पैसा जब आना है तब आएगा, बट यार मुझे ज़िंदगी भी तो जीना है ना यार। पैसे कमाने के चक्कर में एक आध दिन एक्सीडेंट हो गया, मर वर गया तो सारा लाइफ में करूँगा क्या? मतलब ऊपर जाके क्या बोलूँगा कि नहीं यार आपने इतनी अच्छी लाइफ थी मैंने इन्जॉय नहीं किया? तो दोस्तों जब तक जी रहे ना पूरे खुशी के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ जीना सीखे दोस्तों, और खुश रहिए बिना रीज़न के, हंसना सीखे। स्कूल में बचपन में जब टीचर हमको पनिशमेंट की तरह डांटता तो कैसे हम लोग मुँह छुपा के हंसते रहते, हा 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 हा। लेकिन अभी ऐसा कुछ है कि अभी किसी ने थोड़ा सा ही रोड पे जा रहे हैं और
यू नो किसी ने सामने जैसे आँख भी दिखा दी है तो हम लोग उसको गाली देते हैं, मतलब तो क्या हो गया हमको, हम हंसना भूल गए, खुश रहना भूल गए। तो दोस्तों छोटी सी है, इस छोटी सी जिंदगी को अपनी बड़ी खुशी के साथ, बड़ी हैप्पीनेस के साथ बड़ा बनाते हैं, मतलब चलिए कुछ अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।